अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर मैं चलो आप सब कहीं हो, आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत सारे फूल गोभी और मटर का मैं सब्जी बनाने वाली हूँ, बहुत टेस्टी। फ्रेंड्स अब मेरे तरीके से वीडियो बना के देखें। ये देखिए मैंने मटर लिया है। हाँ देखिए कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है, मैं इसे फूल गोभी डाल देती हूँ। और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने उसमें ज़्यादा उसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, मिला लेना है। जैसे गोल्डन ब्राउन हुई उसे निकाल लेना होगा। अब मैं इसमें मैंने मटर को भी ऐड कर दीजिए, तो मटर भी हमारा फ्राई हो जाएगा। फिर मैं इसे थोड़ा हल्दी ऐड कर रही थी फ्रेंड, थोड़ा रानी को फेक्ट आएगा कलर। इसमें ऑयल करने से कम लिया है, मिला लेना है। कॉफी का कलर जब तक चेंज हो गया है तो इसको निकाल। हाँ फ्रेंड्स देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैंने इसे सरसों तेल ऐड कर दिया है। मैंने फूलगोभी मटर को निकाल लिया है। अब मैं इसमें देखिए मैं इसमें एक चम्मच पचफोरन डाल रही हूँ। अब मैंने दो मिर्चा डाल रही फ्रेंड्स, और ये मैंने तो मीडियम प्याज डाकर काट के इसी डाल सकती हूँ। जैसे तो ब्राउन हो जाता है मैं इसमें फिर मसाला ऐड करूँगी। हाँ फ्रेंड्स देखिए प्याज मेरा थोड़ा फ्लैट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे पेस्ट डालती हूँ। देखिए मैंने अदरक लहसुन पेस्ट मैंने पहले से बना के रखा है, और प्याज एक चम्मच लेती हूँ, और एक चम्मच ले लेती हूँ। चला लेने से थोड़ा पाँच रुपये को भून लेना आपको। हाँ फ्रेंड देखिए मैंने मिर्च लिया है, ये मिर्च मैंने मिर्च का पाउडर लिया है एक डेढ़ चम्मच लगभग, आधा चम्मच लगभग मैंने हल्दी पाउडर लिया, गोल मिर्च पाउडर लिया, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। हाँ फ्रेंड देखिए मैंने मसाला के लिया इसमें राइस कर देते हैं। इन मसालों को आपको पाँच मिनट तक भूनना होगा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स, मैंने तो पहले से नमक इसमें ऐड किया था, और एक चम्मच के लगभग ले लेती हूँ अपने साथ में उतारा लिएगा। तो साथ में भूनने के बाद मैं कुछ इसमें आलू मैं इसमें ऐड करूँगी। ठंडे के मौसम फ्रेंड आलू फूलगोभी मटर वो सब्जी बहुत टेस्टी बनता है, इसका रोटी पराठा पूरी सब्जी खाइए बहुत टेस्टी लगेगा। टमाटर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, इसमें हमारा आलू इसे भुना जाएगा। आप आलू से आपको 10 मिनट भून लेना है। ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है, आपको देख के लग रहा है ये सब्ज़ी कितना टेस्टी बनने वाला है। ये बहुत मज़ा आता है फ्रेंड, ठंडे के मौसम में ऐसा सब्ज़ी खाने बहुत मज़ा आता है। हाँ हम देखिए अगर हम भून चुके हैं, अब इसमें डाल देती हूँ। अब पानी ऐड कर देते हैं इसमें, और देखिए मैं पानी ले कर देता हूँ। इसे आप गलने के लिए छोड़ दीजिए 10 मिनट तक।